बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई ने ख़बरदार कर दिया, दुबई के जो पुलिस के जो चीफ़ हैं उन्होंने कहा है ईद के दिन 500 गाड़ियां पेट्रोलिंग करेंगी गली मोहल्लों में, रोडों पे लोगों को ढूंढेंगी, अगर कोई मुखालफत करेगा या कोई इसकी जो है अगर हुक्म को नहीं माना जाएगा, जिस तरह उन्होंने कहा इसमें लॉकडाउन किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोई बाहर निकलेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा 3,000 से लेके और 50,000 दिरहम तक जुर्माना रखा है, जेल भी रखी है, डिपोर्ट करने की ऑफर भी रखी हुई है, ऑप्शन भी रखी हुई है। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जो है 63 जो है नाके लगाए जाएंगे दुबई में सिर्फ, और जो है 500 गाड़ियां पुलिस की पेट्रोलिंग करेंगी तो ढूंढेंगी, अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, जेल किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी और उनको जुर्माने भी पे करने पड़ेंगे। ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ईद को बाहर ना निकलें, इस तरह के ये ना हो कि खुशी के मौके पे आपको बड़ा जुर्माना देना पड़े अगर आपको नहीं पता। तो ये वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 500 दिरहम से ले कर और 50,000 दिरहम तक उन्होंने ईद के दिन जुर्माने लगाए ईद की छुट्टियों में। तो आप 50,000 दिरहम तक उन्होंने कहा ये आपको देने पड़ेंगे जो मर्ज़ी हो जाए, और जिसका एक मरतबा जुर्माना हुआ है दोबारा जुर्माना हुआ साथ जुर्माना भी देगा और साथ उसको 6 माह जेल भी की जाएगी, तो बाहर अच्छी जेल का भी उन्होंने ऐलान किया हुआ। तो बाहर इसमें बचें आप लोग ताकि आप भी जो है उनके अगर रूल को मानेंगे एक तो आप नुकसान से बच जाएंगे और दूसरा ये कि एक जो उन्होंने आपको पाबंदी लगाई हुई है उसमें भी आप लोगों को जुर्माने से आप बचे रहेंगे। बारह एक दो दिन ही है ना, बर्दाश्त कर लें, अल्लाह ताला खैर करेगा। और अल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।